नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। मेरा नाम है आयुष आनंद। बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के करीबी प्रीतम सिंह लोधी एक बार फिर से विवादों में हैं। इस बार उनके विवाद में फंसने की पूरी पार्टी सकते में आ गई है। ब्राह्मण समाज को लेकर की गई प्रीतम सिंह लोधी की टिप्पणी के बाद बीजेपी ने उन्हें भोपाल तलब कर लिया है। बीजेपी की ओर से प्रीतम सिंह लोधी को जारी किए गए नोटिस में लिखा गया है पत्र के माध्यम से कि आपको अविलंब सूचित किया जाता है कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मिलकर अपना स्पष्टीकरण दें। इतना ही नहीं, नोटिस में प्रीतम सिंह लोधी को यह भी ताकीद की गई है कि अगर संगठन उनके स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब आपको पूरा मामला बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। बीते 17 अगस्त को बदरवास के खरह ग्राम में एक कार्यक्रम में बोलते हुए प्रीतम सिंह लोधी ने ब्राह्मण समाज को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की थी। उनकी इस टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो गया। आपको बता दें कि जिसके बाद ब्राह्मण समाज की ओर से खासा विरोध आने लगा और आपत्तिजनक बात को लेकर नाराजगी देखने को मिली। विवाद बड़ा हो गया और मामला प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंच गया, संगठन के संज्ञान में भी आ गया। प्रीतम सिंह लोधी को नोटिस जारी किया गया, उनसे स्पष्टीकरण मांगी गई है। वहीं आज राजधानी भोपाल में आज अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के द्वारा भाजपा नेता प्रीतम सिंह लोधी का पुतला जलाया गया। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्रा ने इसका नेतृत्व किया। वहां प्रीतम सिंह लोधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी हुई और प्रीतम सिंह लोधी को पार्टी से निष्कासित करने की मांग उठी और गिरफ्तार करने को भी कहा गया ब्राह्मण समाज के द्वारा। साथ ही ब्राह्मण समाज ने प्रीतम सिंह लोधी के क्षेत्र में ब्राह्मणों से अपील की है कि प्रीतम सिंह लोधी के परिवार या खानदान में कोई भी सुख दुख का कार्यक्रम हो तो उसमें ब्राह्मण समाज ना जाए, कोई पंडित ना जाए, सीधा बहिष्कार करे। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से प्रीतम लोधी जो कि भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी है और पूर्व में वो विधायक का चुनाव भी लड़ चुका है और एक ऐसे पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता का करीबी भी है, प्रीतम लोधी के द्वारा विगत 2 दिन पहले ब्राह्मण समाज को अनर्गल भाषा का प्रयोग किया गया। हम और पूरा ब्राह्मण समाज यह मांग करते हैं बीडी शर्मा जी, कृपया करके, आप भी ब्राह्मण हैं, आपके मन में भी कुंठा का भाव नहीं आया क्या? आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य प्रदेश अध्यक्ष हैं। मैं आपसे और मुख्यमंत्री जी से निवेदन के साथ मांग करते हैं कि पूरे ब्राह्मण समाज का यह शौर्य, जिस प्रकार से उन्होंने शौर्य पर और ब्राह्मण समाज पर जिस प्रकार से उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है, तत्काल प्रभाव से प्रीतम लोधी को निष्कासित किया जाए। 37 प्रकरण दर्ज हैं प्रीतम लोधी पर, वह अपराधी प्रवृत्ति का व्यक्ति है। आप तो शुचिता की बात करते हैं, आप तो निष्पक्ष छवि की बात करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ पदाधिकारियों से मेरा आग्रह है कि इसको तत्काल प्रभाव से निष्कासित किया जाए और इस पर रासुका लगाई जाए, अन्यथा 2018 में आपने देखा है ऐसे ही उसकी पुनरावृत्ति 2023 में हो जाएगी और ब्राह्मण समाज 2023 में भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से पुरजोर विरोध करेगा। और अगर ये कहा जाता है कि उस पर FIR हो गई, FIR से काम नहीं चलेगा माननीय, अब तो सिर्फ निष्कासन से ही काम चलेगा। और अगर निष्कासन नहीं होता और प्रीतम लोधी पर रासुका नहीं लगाई जाती तो अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज और संपूर्ण ब्राह्मण समाज मध्य प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत वर्ष में घोर आंदोलन करने के लिए विवश होगा। उनके क्षेत्र में जितने भी ब्राह्मण बंधु हैं, सबसे विनम्र आग्रह है कि प्रीतम लोधी के पूरे परिवार का बहिष्कार किया जाए। प्रीतम लोधी ने ब्राह्मणों पर, हमारी माताओं पर, हमारी बहनों पर उंगली उठाई है। कैसा चरित्र है प्रीतम लोधी आपका, आपके क्या संस्कार हैं? मेरा पूरे संपूर्ण ब्राह्मण समाज से निवेदन है कि प्रीतम लोधी का बहिष्कार किया जाए। उनके किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में, किसी भी ऐसे कार्यक्रम में, चाहे वह 13वीं हो, चाहे किसी भी कोई भी कार्यक्रम हो, उसका पूरा बहिष्कार किया जाए, उसके पूरे परिवार का बहिष्कार। बीजेपी कार्यकर्ता तलब किए गए थे, उन्होंने माफी मांगी है। माफी मांगने से काम नहीं चलता। मेरा बार बार ये निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व उसको निष्कासित करें और रासुका लगाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह, रासुका लगाएं।
37 आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं प्रीतम लोधी के खिलाफ। निष्कासित नहीं होता तो क्या करेंगे आप लोग? पूरे भारत में उग्र आंदोलन करेंगे और इसकी पूरी जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी। और कितने शर्म की बात है कि हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं वो भी ब्राह्मण समाज के, गृह मंत्री हैं वो भी ब्राह्मण समाज के, क्या इनको जरा सा भी शर्म नहीं आती है? एक किसी दूसरे समाज के लिए अगर एक ब्राह्मण ने अगर थोड़ा सा किया तो पूरी जात इकट्ठा हो जाती है, लेकिन ब्राह्मणों के